उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र टोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेन्द्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि ना होती है और ना ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देवशास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर 2.5 द्वीप विधान सम्पन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहूति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। सही स्थानों पर जाएगा, इसलिए पास ने मनुष्य के अंदर छन्नी लगाकर पैसा छाना है कि यहाँ आएगा तो छना पैसा लूंगा, मैं गैर छना पैसा नहीं लूंगा किसी का, है ना। तो मनुष्य उत्साह भी भरता है लेकिन नहीं दे पाता है, हाथ से कट जाता है, समझो। मनुष्य गोलियां मिला तब भी हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि रह जाते हैं मनुष्य कैसे दूं, क्योंकि क्योंकि जो पैसा है ये इस 6 लाख नहीं है, इसलिए उसकी बुद्धि बदल जाती है। और जिसको देना होता है, जिसका पैसा अच्छा स्वच्छ होता है, वो आराम से दे जाकर चला जाता, पता नहीं पड़ता है, ठीक है, चला जाता है, समझिए। तो जान लो जिसके आज पैसे हैं देते नहीं बनता है, उसका पैसा सही नहीं है, अभी उसका काला पैसा है ये, इसलिए आना ही आ पाएगा, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। तो पारस ने इस स्थान पर छना पैसा मांगा है, उस छना पैसे से सारा कार्य दिखता है, वो दिखता चला जा रहा है, समझो, पीछे नहीं हटता है, आगे बढ़ता जाता है। तो जो धर्म का पैसा होता है वो कार्य करता है, अधर्म का पैसा कार्य नहीं करता है। इसलिए बंधुओं, माया से हमेशा दूर रहना चाहिए, माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ना त्यागी या ज्ञानी हो, माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये माया किसी को छोड़ती नहीं है, समझो। इसलिए नीचे चले जाते हैं सब, और गृहस्थ जीवन भी नीचे चले जाते हैं, माया यहीं पड़ी रहती है, सब चला जाता है, कुछ नहीं बचता है। इसलिए बंधुओं, यदि लेना है और अपने साथ ले जाना है, तो इनसे दोस्ती करो, देवादेव और रामदेव से दोस्ती करो, है ना। तो ये मोक्ष की माया पकड़ो, मोक्ष की माया तुम्हारे साथ जाएगी, समझो। इनका रूप तुम्हारे साथ जाएगा, इनके गुण तुम्हारे साथ जाएंगे, समझिए। तो तुम्हारा जीव पर्याय पवित्र होकर पार हो जाएगी, है। तो मोक्ष मार्ग के रास्ते पर जाओगे तो तुम्हारा जीव अच्छे उत्तम गति में जाएगा, फिर लौट के मनुष्य गति में आएगा और उत्तम पर्याय की ओर फिर निकल जाएगा, समझो। इसलिए प्रेम करो तो मोक्ष लक्ष्मी से करो, है ना। कोई लक्ष्मी से प्रेम मत करो, माया से प्रेम मत करो बंधु, क्यों, ये जीवन कैसे मिला है, ये तुम्हारा जीवन कैसे मिला है। देखो आज भर क्षेत्र के अंदर चारों तरफ देखो, माने एक भारतवर्ष में कितनी जीवों की पैदाश है, एक कोरोना से सारे जीव परेशान हैं, एक कोरोना से सारे जीव परेशान है, अधिकारी परेशान, राजा परेशान, सब परेशान हो गए एक कोरोना से। सोचो, एक कोरोना ने सारे राजाओं को, सारे त्यागियों को,
सारे धर्मियों को सबको हरा दिया। बोलो एक पुराना ने सबको हरा दिया। यदि राजा बलशाली होता, हिंसामय नहीं होता, अहिंसा का धारक होता तो कुराना उसको हरा नहीं पाता, समझो, कुराना उसको हरा नहीं पाता, स्वयं हार के भाग जाता है, इस भारत में घुस नहीं सकता था, समझो, क्योंकि ये नगरी पहले से, ये भारतवर्ष पहले से दूध की नदियों से भरा हुआ है, समझो, यहाँ कोई हिंसक बाधा नहीं थी। अब नए नए राजा कलयुगी पैदा हो चुके हैं जिन्होंने हिंसा का काम कराया है, उसके बिना राज में काम ही नहीं बनता है, समझो। जैसे मदारी दिगडीड़ी लेके चलता है, जानवर पकड़ लेता है, वो नाच कराता है, वो अपना पेट पालता है ना, ऐसी आज के देश के राजाओं कोई मदारी पैदा हो गए हैं, उन्होंने लगा सांप को बेचना चालू करा दिया, चलो तुम मस्त हो, चलो लुगाई रोए, चाहे लड़का रोए, चलो उसी में मस्त रहो, हमारा खर्चा चलेगा, बस इससे खर्चा चला रहे हैं, समझो, इससे देश सुधर जाएगा? कभी नहीं सुधरेगा, है ना। नशे से और हिंसा करने से देश कभी नहीं सुधर सकता, नीचे गिरता जाएगा। इसलिए राजाएं, वो राजा जो बैठे हुए हैं, जहाँ तक ये पानी पहुँचे तो अपना सुधार करें, वो हिंसा का त्याग करें, इस भारत के अंदर इन गलत रास्तों पर चलना बंद कर दें। ये तो पैसा सच आएगा तो रास्ता तो अपने आप खुल जाएगा, अपने आप मन ईमानदार हो जाएगा, क्योंकि आज का मन ईमानदार नहीं है। तुम कितना भी, तब भी उसकी बेईमानी है उसके अंदर भरी हुई, चल कपट भरा हुआ है। इसलिए समझो, यदि आज के त्यागी गुरु सत्य रास्ते पर हैं, वो माया से मोह नहीं करते, तो भ्रष्टा में नहीं लिपटते, तो वे आज अपना जीवन इकुनाना से भय नहीं खाते, इकुनाना से भय नहीं खाते वो, समझो। इस माऊ मंडल से जो हवास प्रवेश करते हैं, इसने राम कोरोना रखा गया है ना, ये वायुमंडल से आई है। यदि मेरे त्याग वाणी से, त्याग की वाणी निकलती, संयम की वाणी निकलती, तो ये हमारी वाणी में प्रवेश नहीं कर पाता, हमारी वाणी से भाग जाता, समझिए, प्रवेश नहीं कर पाता। लेकिन वाणी तुम्हारे माया की भरी हुई है, माया चाहिए से तुम्हारी वाणी भरी है, त्याग से भरी नहीं है, इसलिए आज उसने तुम्हारे पद को ग्रहण कर तुमको भी झुका दिया है। राजा भी झुक गया, तुम भी झुक गए, अब बचा क्या है? सारा सीन चला गया है, बचा क्या है? कहते चार्ज गया तो सब कुछ गया है, धर्म नहीं बचा। इसलिए बंधु, इन रास्ताओं से बिल्कुल मोह छोड़ दो, धर्म को रो, पैसे को नहीं रो, धर्म को पकड़ो, तो पैसा तो अपने आप पीछे आ जाएगा, हर समय तो लगेगा लेकिन आ जाएगा, लेकिन गिरोगे नहीं तुम कभी, सोचो, गिरोगे नहीं, धर्म गिराता नहीं है। जो मनुष्य यहाँ आता जाता है तो एक दूसरे जलने लगते हैं, बल्कि घर ही घर के जलने लगते हैं, है ना, तो वो मनुष्य कभी गिरता नहीं है, और जिन्होंने आना वाना सब छोड़ दिया वो फंसने लगा है, तो उसकी माया खिसकने लगी, समझो, तो अभी याद करता है, माने अच्छे रास्ते का मार्ग मनुष्य छोड़ देता है और बुरे रास्ते पर पैर धर लेता है, इसलिए गिर का याद आ जाती है। कोई बात नहीं, चलो सुबह का सवेरा हो गया, रास्ते पर आके समझ जाओ, ये जीवन कल्याण में काढ़ो तो अच्छा है। देखो, रो तो धर्म को रो, माया को मत रो। इसलिए बंधुओं, समझिए, जो मैंने जन्म लिया है मनुष्य पर्याय में, एक कल्याण के लिए लिया है, और कल्याण कैसा, हमारा जीव
अच्छी अच्छी रस्तियों पर जाए, अच्छे अच्छे पदों पर जाए, उन पदों पर जाकर भी हम धर्म का मार्ग पकड़ सकें और हम धर्म की रक्षा भी कर सकें। देखो, धर्म अपनी रक्षा नहीं कराता है, धर्म अपनी रक्षा नहीं कराता है, रक्षा तुम्हारा करना धर्म। जैसे भारतवर्ष के जितने भी राजा हैं बैठे हुए हैं, ये धर्म की रक्षा नहीं कर रहे, ये धर्म में स्वयं फंस रहे हैं, कुछ बचा रहे हैं लेकिन मूल कारण जो असली है उसका पर ध्यान नहीं दे रहे। यदि उस पर ध्यान दे लिया जाए, बताओ, यदि माँ को कष्ट दिया जाए तो माँ की हार जो निकलेगी तो क्या होगा? क्या उसका बच्चा पनप जाएगा? कभी नहीं पनपेगा। भारत की गाय माँ बन के आई है और भाई तलप जाएगी तो ये भारत स्वस्थ क्या पनप जाएगा? कभी नहीं पनप सकता, समझो। अपने शरीर का खून काट के देखो कितना दर्द होता है, तब उसके शरीर पर लगाओ तो उसकी आवाज कैसे निकलती है। इसलिए बंधु, समझो हर बात का, हर जीव पर दया करना धर्म होता है। यदि मैंने भावना अच्छी भाली तो उसका लक्ष्य वहाँ उसका शुभ समय सूचक तुम्हें लग जाता है, सोचिए। इसलिए हमेशा भाव को अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन का अंत समय अच्छे रास्ते पर जाए, सोचो। इसलिए अपना स्वयं आगे बाबे देखिए कैसा बोल रहा है, उस पर चलना सीखिए। इसी उसी रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। खुशी मनाता हुआ उस नगर की ओर चल देता है, जरा भी समय की देरी नहीं करता है, अपने समय से उस नगर के अंदर पहुंच जाता है। उस नगर की शोभा का वर्णन देखकर मान खुश होता है। ये नगर जब भगवान ने जन्म लिया तो चारों तरफ ये उजन, समझो, खुशियाँ छा जाती हैं, हर जीव में मैत्री भाव बढ़ जाता है और हरियाली के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। फूलों की बहार की सुगंध के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। जब भगवान जन्म इस भूमि पर लेते हैं और सौदर्मिंद कितने शीघ्र अपने लोक से इस धरा पर आता है उनकी क्रिया करने के लिए, समझो। आज भगवान ने जिनालय बनाए हुए हैं, आज का मनुष्य अपने घर से इस जिनालय आने में रोता है, समय से आने में रोता है, वो समय से उठ नहीं पाता है। देखो, जहां धर्म की महिमा होती है उन जीवों का पुण्य का बंध जब होता है तो उनकी निद्रा खुल जाती है, और उन जीवों का पुण्य का बंध नहीं होता तो निद्रा से आंख दबी रहती है, समझो। पुण्यशाली जीव बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि अबक्ष के खाने वाले, मिथ्यात्मार पर चलने वाले, मान कसाई को का सेवन करने वाले मनुष्यों के पास में धर्म का अंकुर नहीं बचा हुआ है। बंधुओं, यहाँ के लोग अभिषेक करने में रोते हैं, पारस ने इन पर एक सिंहासन रख दिया है तो एक अहंकारी हो गए हैं। ये घर से आने में से खचुरते हैं, खचुरते समय से नहीं आते हैं कि हमारा समय अभिषेक करने का क्या समय है, उस समय से नहीं आते, उस समय के पहले नहीं आते। जैसे राजा कहीं जाता है
तो उनका सेवक तुंत घोड़ा तैयार करके खड़ा कर देता है, राजा चढ़ जाता है। ऐसा यहाँ का पुजारी भगवान का आपसे करने आता चढ़ा हुआ, समझो। उसकी आंखों में इतनी बड़ी धूल की पट्टी बंधी हुई है, ऐसी काली पट्टी बंधी हुई है यहाँ के लोगों के अंदर कि उन्हें ये नहीं दिखता कि बाहर का लोग कितना आता है और क्या क्या लेकर यहाँ जा रहा है, लेकिन उनकी पट्टी पर पट्टी बंधी हुई है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, समझो। यही कहते हैं कि देखने वाला भी अंधा है, उसको उसकी आंखें सही होने का उसको आगे का उसको दिखता नहीं कुछ, क्यों? उसकी मान की अहंकार की पट्टी बंधी हुई है जरा से पैसे में। वह उसके सामने भगवान को नहीं समझता है, समझो। पारस ने ऐसी क्रिया चला दी है अब जो धर्म काम में बाधा डालने में आज्ञा का उल्लंघन मर्यादा का उल्लंघन करने में उनके अंदर से ऐसी अणु पैदा हो गई एक हवा द्वारा वायुमंडल से आएंगे वो अणु और उन्हीं के अंदर वो प्रवेश होंगे, किसी के अंदर प्रवेश नहीं होंगे, वह उनके शरीर को खलबला देंगे। जैसे कढ़ाई में तेल डालते हैं को पानी का एक बूंद पड़ता तो खोल जाती है, ऐसे शरीर खोलने लगेगा, क्योंकि तुम लोगों के अंदर कितना अहंकार भरा हुआ है। जो पारस के दिए हुए नियम पर आज तक तुम लोगों ने अमल नहीं किया है, देखो जहां संयम होता है वहां वैभव होता है, और जहां संयम नहीं होता है वहां वैभव नहीं होता है। तुम लोगों ने अपना संयम भी कुछ समय के लिए दिखा दिया है, उस संयम में तुमने उस वैभव को पा लिया है, समझो, जो आज तक कहीं मिला ना होगा ना मिलेगा देखने को, और तुमने अपने नेत्रों से स्वयं देख लिया है। उसके बाद भी तुम्हारे अंदर जरा भी विवेक नहीं आया कि मेरी यहाँ कितना बड़ा आश्चर्य हो गया है